नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, मुझसे पूछ रहे थे जोगिंदर सर अपने घर में अपने ऑफिस में हमको कैमरा लगवाना है, मतलब सीसीटीवी कैमरा लगाना है, क्या एक वीडियो बनाकर हमको गाइड कर सकते हैं, कौन सा कैमरा लगाना चाहिए, कितने रुपये कैमरा आता है, कौन सा उसमें केबल यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे साथ में एक्सपर्ट बैठे हैं, ये कैमरे के बहुत जानकार हैं और इनकी दुकान के ऊपर हूँ, लेकिन बहुत सारे कैमरे का रेंज पड़ा हुआ है, समझते हैं घर के लिए कौन सा कैमरा अच्छा होता है, ऑफिस का कैमरा कौन सा होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। पहली बार आया हुआ है कंप्यूटर लैपटॉप सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर, जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में दो कैमरा है, नॉर्मली जो घर में लगाते हैं सीटी कैमरा, एक ये कैमरा और एक कैमरा ये है, इसको कहते हैं डोम कैमरा, इसको कहते हैं बुलेट कैमरा, और बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सर जी, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, इसके ऊपर 2,60,000 सब्सक्राइबर हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपने परमिशन दिया वो सिक्योरिटी वीडियो बनाने के लिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑडियंस भी आपको जानेंगे। सर, आज के डेट में कैमरा क्यों इंपॉर्टेंट है घर के ऊपर? सर, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सिक्योरिटी फीचर्स, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से कैमरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आजकल कहीं भी देख लीजिए किसी भी टाइम पे कभी भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कैमरा जो होता है उसके साथ साथ में जो रिकॉर्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है सिक्योरिटी फीचर्स, और मुझे लगता है कैमरा हर किसी को यूज़ करना चाहिए, तो हर घर में कैमरा लगना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए, आज की चीज़ों को देखते हुए ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन भी है, कई सारे स्कीम्स निकालती है, या गवर्नमेंट भी है, बहुत सारी वीडियोस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवेयर करती हैं कि आपको कैमरा यूज़ करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। चलिए ठीक है सर, कैमरे सर कितने प्रकार के आते हैं कैमरे? सी, अभी जो एट प्रेजेंट जो मार्केट में चलन है वो है SD कैमरे का और IP कैमरे का। अच्छा, आराम मेरे बताते थे, दो कैमरा चलते हैं, एक SD कैमरा, HD कैमरा, और एक चलता है IP कैमरा। HD का फुल फॉर्म समझो कि क्या मतलब होता है, HD का मतलब हाई डेफिनेशन कैमरा हो गया, HD कैमरा हो गया, एक IP मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले। अच्छा, दोनों में अंतर सर क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ही होता है, सबसे पहली चीज़ तो बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो इसके साथ केबलिंग करी जाती है, मतलब जो जो इसका कैमरे के साथ आप कनेक्ट करते हैं, अच्छा, वो 3+1 केबल होता है, और इसके साथ HD के साथ में, HD के साथ, और जो दूसरा IP कैमरा होता है वो Cat6 केबल कैमरा होता है, जिसको बेसिकली टेलीफोन वाले या इंटरनेट वाले केबल बोलते हैं। दोनों में लेटेस्ट कौन सा है सर? जो दोनों में लेटेस्ट IP कैमरा है। अच्छा, IP कैमरा है। अगर मान लीजिए आप एक्सपर्ट अगर हैं, आज के डेट में कैमरा लगवाना है, तो कौन सा कैमरा रिकमेंड करते हैं आप? अभी हर एक चीज़ के लिए जैसे क्या होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती हैं, तो एनालॉग से फिर HD से फिर IP, तो IP उसका एक एडवांस वर्जन है, ठीक है, पहले एनालॉग आता था, हाँ, उसके बाद HD आया, फिर अब IP आ गया, मतलब लेटेस्ट IP है, हाँ, ये लेटेस्ट IP है, हाँ। और IP कैमरा मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि क्या कहते हैं, एज कम्पेयर टू क्वालिटी, एज कम्पेयर टू फीचर्स, ओके, ये एडवांस है, इस वजह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब IP अभी भी लोग HD कैमरा लगवाते हैं? हाँ, बिल्कुल लगवाते हैं, और अच्छा मार्केट उसका भी है मार्केट, ये मैंने बताया ना कि एक स्टेप ऊपर है और वो एडवांस है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो केबल का प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 कैमरे 8 कैमरे लगवाने होते हैं HD वाले में, तो केबल का प्रोसेस वो लंबा होता है, ओके, और IP में क्या होता है, एक सिंगल वायर के थ्रू होता है, तो मतलब इजी टू, मतलब इंस्टॉल करना है, इजी टू इंस्टॉलेशन क्या मतलब, मतलब यूजर फ्रेंडली भी है, यूजर फ्रेंडली। जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा जानकार हूँ आपसे, मैं IP कैमरा खरीद लेके जाता हूँ, तो क्या अपने हाथ सेटअप कर सकता हूँ कि मुझे किसी टेक्नीशियन चाहिए उसके लिए? अगर थोड़ी जानकारी है आपको, अवेयरनेस है, और YouTube तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मतलब आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो अगर जानकारी है अवेयरनेस है तो आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो एक हो गया HD कैमरा और एक हो गया IP कैमरा। तो मुझे आप दिखा रहे थे आपके पास जो है ये ऐसा दो डिवाइस पड़ा हुआ है, ये दिख रहा मेरे को, ये दो डिवाइस है, आपने बताया एक को NVR कहते हैं और एक को DVR कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है सर? ये देखिए, बता दो आपको मैं, ये देखिए ये मशीन है जो रिकॉर्डर बोलते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग होती है, इसी के अंदर HD लगा होता है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इसी के अंदर रिकॉर्डिंग होता है। चोर चोरी करने आएगा ना तो कैमरा नहीं चुराता है, वो इसी को चुरा ले आता है, तो इसको अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए हमको, है सही बोला सर ना? ठीक है, तो ये बोलते हैं रिकॉर्डर, एक तरह से इसको लोग NVR भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं DVR भी बोलते हैं। सर, दोनों में क्या अंतर होता है? सबसे पहली चीज़ अगर आप उसको दिखाना चाह सकते हो या दिखा सकते हो, ये इसका जो पोर्ट होता है, ओके, ठीक है, ये HD कैमरा वाला है, हाँ, ये HD कैमरा, ओके, ठीक है, और इसमें मतलब एक दिखा रहा हूँ मैं, इसमें देखिए 4 लगे हुए हैं, ये इसका पोर्ट भी ऐसा दिया हुआ है, ये HD कैमरे का क्वालिटी है, ये इस तरीके से दिया हुआ है ये, और ये जो IP कैमरा, ये IP कैमरा, ये NVR है, ये NVR का फुल फॉर्म सर क्या हुआ?
नेटवर्क वीडियो अडाप्टर, ओके ये एनवीआर फुल फॉर्म हो गया। देखिए ये दिया हुआ, इसमें सिर्फ एक दिया हुआ है ये, और उसमें दिया हुआ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ये, ठीक है ठीक है, ये दो हो चुका सर है। अब मतलब ये खराब होने समय ज्यादा होता है, ये खराब होने समय ज्यादा होता है? नहीं, आप खराब होने की समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके सबसे पहली चीज तो, हाँ ठीक है, और डिपेंड करता है कि किस कंपनी का यूज कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ओके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो उस चीज पे ही डिपेंड करती है। तो खराब होने की संभावना कुछ भी हो सकता है, खराब कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट अमूमन क्या होता है कि जैसे 2-3 साल या कंपनी जिस हिसाब से भी तरह की कंपनी है, जिस हिसाब से वो अपना वारंटी का पीरियड देती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट चलते हैं, ऐसा नहीं होता कि खराब होते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, जैसे मान लीजिए मैं किसी एबीसी कंपनी कैमरा ले लेता हूँ, और जरूरी है कि एबीसी का ये लगवाना पड़े डिवाइस, ये अलग कंपनी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सपोर्टिव आते हैं। अच्छा, मतलब एबीसी कंपनी का ये हो सकता है, मान लीजिए किसी और कंपनी का भी हो सकता है, एनवीआर हो सकता है, ठीक है सर। अब मान लीजिए मैं एकदम अनभिज्ञ आदमी हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा घर है, मैं कस्टमर बात कर रहा हूँ, घर मेरा है और मुझे चार कैमरा लगवाना है घर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा चार कैमरा लगवाने के लिए। क्या चार कैमरे लगवाने के लिए? सबसे पहले मैं आईपी लगवाऊंगा, जैसे आपने बोला आईपी ना, तो मैं आईपी लगवाऊंगा, कितना खर्चा आएगा मोटामोटी? देखिए, चार कैमरे अगर आईपी आप लगवाते हैं तो एक जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो 18,000 से 20,000 रुपए तक की होती है आईपी कैमरा लगवाने की। उसमें कितना मेगापिक्सल होगा वो कैमरा? वो 2 MP मेगापिक्सल कैमरा होगा, उससे ऊपर भी जा सकते चाहे तो हम लोग हैं, मतलब 2 मेगापिक्सल मतलब कि चोर पकड़ा जाएगा, चोरी कर जाएगा तो 110% दिखेगा, चेहरा साफ दिखेगा, साफ दिखाई देगा। अच्छा, 2 मेगापिक्सल मतलब 70 है, उसमें क्या क्या सामान देंगे आप? उसमें जैसे मान लीजिए अगर आप एक एनवीआर हो गया, मान लीजिए एनवीआर हो गया, एनवीआर हो गया, ड्राइव जो लगाएंगे, हार्ड ड्राइव जो लगेगा उसी पर डिपेंड करता है कि कितने दिन की रिकॉर्डिंग होगी। जी बिल्कुल, ओके, तो कितने जीबी का हार्ड डिस्क, मतलब मान लीजिए कि मैं चार कैमरा लगवाता हूँ, मुझे एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग चाहिए अगर, तो कितने जीबी की हार्ड डिस्क रिकमेंड करेंगे? 1 TB जो आईपी कैमरे के लिए 1 TB का हार्ड डिस्क हो गया, ये एनवीआर हो गया, ठीक है, तो मतलब एक हफ्ते रिकॉर्डिंग उसमें मुझे मिलेगी। चार कैमरा है, चार कैमरा लगाएंगे 17,000 रुपए। केबल कौन से लगाएंगे, किस कंपनी के लगाएंगे, मतलब नेटवर्क केबल लगेगा उसके? केबल लगेंगे, उसमें तरह तरह की कंपनियां हैं, तो अलग मतलब वो करते हैं। टीवी 17,000 टीवी भी आ जाएगा कि नहीं आएगा? टीवी आएगा। सी, जो मॉनिटर आते हैं आजकल, मॉनिटर मतलब देखना हमको रहे, मॉनिटर जो है 2600-2800 तक के भी आते हैं, तो उसमें एड ऑन हो सकता है 17,000-18,000 में, मतलब 18,000 से 20,000 रुपए का जो मतलब मोटा मोटी 20,000 के समझे, अच्छी कंपनी का डिगार लगेगा, एनवीआर लगेगा, अच्छी कंपनी का कैमरा लगेगा, केबल अच्छी कंपनी का, उसमें टीवी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, दो और चीज़ जानता हूँ मैं, जैसे ये कैमरे में बोलते लोग हैं, एक आता है बुलेट कैमरा आता है, एक आता है डोम कैमरा आता है, इसमें दोनों में सर क्या अंतर होता है बुलेट में और डोम में? जो बेसिकली क्या होता है, ये एक इंडोर बोलते हैं जो डोम कैमरा होता है। अच्छा, जो डोम बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं इंडोर, मतलब घर के अंदर लगाने के लिए, ओके, और बुलेट आउटडोर कैमरे होते हैं। अच्छा, आउटडोर कैमरा मतलब इसको घर के बाहर लगाना है, अगर मान लीजिए इसको इसको बाहर लगा दे, इसको अंदर लगा, फिर क्या दिक्कत होगा? क्या होता है कि दोनों का जो लेंसेज होता है, ओके, जो फोकस होता है, अच्छा, जो फोकस करता है, हाँ, ये जो होता है ये टेली लेंसेज की तरीके से होता है, और वो फोकस दूर की ओर करता है, और ये जो फोकस होता है ये वाइड रेंज की तरीके से करता है। तो क्या बाहर हम जो लगाते हैं तो हमें दूर तक का देखना होता है, ना कि बिल्कुल पास का देखना होता है, और अगर अंदर लगाते हैं तो हमें जिस रेडियस में उस रेडियस तक का देखना होता है, तो दोनों का एक्सपोजर अलग अलग होता है, इस वजह से वो उसी तरीके से उसका यूज भी होता है। अच्छा, मतलब बाहर लगाना है तो आउटडोर कैमरा लगाइए, और ये लगाना है तो डोम कैमरा लगा दीजिए, ये सारी चीज़ें हो चुकी। मुझे लगता है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है, एनवीआर का मतलब हो गया नेटवर्क वीडियो अडैप्टर हो गया, और डीवीआर का मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड हो गया। हार्ड डिस्क 1 TB लगाएंगे तो उसमें आपका एक हफ्ते रिकॉर्डिंग हो जाएगा, 2 TB लगाएंगे तो 14 दिन का रिकॉर्डिंग चार कैमरे के साथ, ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कैमरे की वायरिंग करा रहे हैं, चाहे वो HD हो चाहे वो IP हो, तो अगर डिस्टेंस मैटर करता है इसमें, सपोज मान लीजिए कि एक अगर 200 मीटर पे कैमरा लगा हुआ है, 100 मीटर पे लगा हुआ है, तो कंसेप्शन क्या होगा वीडियो का, जो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अगर कैमरे क्लोज लगे होते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग की जो मतलब टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन, वो भी क्वालिटी, अच्छा, वो फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि आपने बताया ना 17-18, क्या क्या सामान उसमें इंक्लूड होता है सर? जैसे मान लीजिए जो बोलते हैं कि इसमें POE होता होगा, क्या क्या चीज़ें रहती है सर जी? POE पहले मतलब मान लीजिए एक NVR हो गया, हाँ, NVR हो गया, कैमरा हो गया, एक NVR हो गया, चार कैमरे हो गए, कैमरे हो गए, और हार्ड ड्राइव हो गया, ओके, 1 TB RJ45 कनेक्टर्स हो गया, और POE लगता है आपका NVR के साथ, ओके, वो हो गया, TV हो गया, और हो गया, हाँ, इसमें इंस्टॉलेशन भी है 17-18 रुपये में? इंस्टॉलेशन जो देखिए मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए जो कैट 6 केबल होते हैं वो 305 मीटर के भी एक बंडल आते हैं, अच्छा, और 100 मीटर के भी एक बंडल, ओके, तो डिपेंड करता है कि उसमें केबल कितना लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर रेडियस बड़ा होगा तो 305 मीटर वाला जाएगा तो उसे कॉस्टिंग ऊपर जाएगी, ओके, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड मैंने पहले ही बोला था, स्टैंडर्ड जो होता है वो 100 मीटर का रेंज मानते हैं कि 100 मीटर में चार कैमरे लग जाते हैं, तो 20,000 कमोबेश
अप डाउन हो जाता है। तो आप लोग वारंटी भी देते हैं कैमरा लगाने के बाद में भूल जाते हैं कस्टमर? नहीं बिल्कुल, अगर हम वारंटी ना देते और भूल जाते तो पिछले 8-10 साल से जो ये प्रोफेशन में है ये प्रोफेशन सस्टेन नहीं, मतलब 20 साल आपने दिया उसकी 1 साल वारंटी भी देते रहते हैं कंपनी एंड से आपको 2 साल का प्रोडक्ट का वारंटी। अच्छा, प्रोडक्ट वारंटी है जी, तो वो कंपनी सर्विस सेंटर से आता है। हमारे पास कस्टमर्स की कॉल आती है कि ये प्रॉब्लम है, हमारा बंदा जाता है वहाँ पे, उसका सर्विस देता है, जो उनके सर्विस चार्जेस होते हैं वो सर्विस चार्जेस भी लेता है और उसको रिपेयर करा के मतलब सर्विस सेंटर से ही करा के, मतलब आपने लगा दिया, लगाने के बाद में एक साल प्रॉब्लम अगर आता है हम जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम आता है तो कुछ चार्ज देते हैं कि छोड़ देते हैं? देखिए क्या होता है कि जो बंदा जाएगा बट ऑब्वियस सी बात है उसका पेट्रोलिंग होगा, उसका टाइम होगा, वो आप लेंगे, वो चार्जेस लेंगे। और ये कुछ खराब हो गया मतलब कंपनी से वारंटी इसको रिप्लेस करवा देंगे ये? ठीक है, तो आपके हिसाब से आईपी कैमरा लेना चाहिए 20,000 में काम हो सकता है सर? बहुत मतलब जैसे मैं इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर हूँ और आप भी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर ही, मेरे वीडियोस को जो है पूर्वांचल बहुत सारे लोग देखते हैं और मुझे लगता है कि देवरिया बस्ती कुशीनगर देवरिया देखते रहते हैं, अगर किसी कैमरा लगाना रहे हमारा वीडियो देख के आपको फोन करेगा तो क्या उसके वहाँ कैमरा लगवा सकते हैं? 110% लगा। अपना नंबर देना चाहेंगे आप? यस श्योर। पहले आपको कार्ड उठाऊंगा सर? देखिए कार्ड देखो मैं, ठीक है दोस्तों बता दो मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर हूँ और एक जगह पड़ता है गोलघर और गोलघर के अंदर साई मार्केट है, फेमस मार्केट है कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड, और यहीं पे इनका बैकडोर पे एक दुकान है कि इस पूछेंगे मैं नंबर देंगे फोन कर लेंगे। दुकान का नाम इनके है द इलेक्ट्रो आईटी एंटरप्राइजेस और वी डील्स इन ऑल आईटी एंड सर्विलांस प्रोडक्ट। ठीक है, माखन भोग गली सिनेमा रोड साई मार्केट गोलघर गोरखपुर। सर का नाम निर्देश है, आपका नाम निर्देश है, इनका फ़ोन नंबर नोट करना है तो धीरे नोट कर लीजिए, ले लिया पेन कॉपी ना, 9451 9451 21 4721। ठीक है दोस्तों, तो कैमरा रिलेटेड मान लीजिए किसी को लगवाना नहीं है, कुछ जगह से वीडियो देख रहा है और फ़ोन करता है कि सर हमको ये एस्टीमेट चाहिए लगवाने के लिए, तो आप लोग उसको मतलब डील करते हैं, गाइड करते हैं। हो सके आपकी बातों से प्रभावित हो जाए लगवा भी ले, तो पहले आदमी पहले फ़ोन ही करे जानकारी लेके, आपको फ़ोन करेंगे कि निर्देश जी मुझे कैमरा लगवाना है और मुझे बता दीजिए कि NVR लगाना चाहिए DVR लगाना चाहिए, एक हमारा एक कैमरे में फिर 50 मीटर डिस्टेंस में पूरा गाइड कर देंगे क्या क्या सामान लगेगा पूरा पूरा एकदम। ठीक है दोस्तों, तो कैमरे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल अगर हो तो निर्देश जी को फ़ोन करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए, मुझे लगता है कि आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा और आप भी कैमरे बारे में जो डाउटफुल है उन्होंने क्योंकि एक वीडियो के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन देना संभव नहीं है, इसलिए जितना बता दिया उतने लिए आपके फायदा। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सर हाथ मिला सर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आपको आया प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनको कैमरा लगाना हो सके वीडियो के माध्यम से उनको कोई मदद मिल जाए। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।